अस्सलाम वालेकुम। आज हम नो बेक मैंगो मूस केक बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। इसके लिए यहाँ पे मैंने मैरी बिस्किट का जो सबसे बड़ा पैक होता है वो लेके, या टू हाफ रोल लेके, इसको आपने चॉप कर लेना है चॉपर में डाल के। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून बटर मेल्ट किया हुआ। ये हमारे बेस के लिए है। इसके बाद हम मैंगो जेली चाहिए हमें, इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया 60 ग्राम मैंगो प्यूरी या हाफ कप। जेलेटिन जाएगा इसमें 2 ग्राम या 1 टीस्पून, और हमें इसमें पानी ऐड करना है जेलेटिन में 1 टेबल स्पून या 10 ml। वाइट चॉकलेट मूस के लिए यहाँ पे हमने दूध ले लिया है 100 ml या 1 कप। वाइट चॉकलेट है हमारे पास 40 ग्राम। वनीला एसेंस है 1 टेबल स्पून, 1 अंडे की जर्दी है। चीनी जो है हमारे पास है वो 2 टेबल स्पून, और जेलेटिन हमने ली 1 टेबल स्पून। मैंगो मूस के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम मैंगो प्यूरी या 1 कप, और इसमें जाएगा जेलेटिन 3 ग्राम या 1 टेबल स्पून। लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून, और इसके अलावा हमें व्हिप क्रीम चाहिए जो कि मैंने बीट करके फ्रीज़र में रखी हो, हमें बाद में इस्तेमाल करनी है। हमें वाइट चॉकलेट मूस के लिए 2 कप चाहिए, और मैंगो मूस के लिए हमें एज़ रिक्वायर्ड चाहिए। तो अब मैंने चीनी बिस्किट के अंदर जो है मैंने मक्खन डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी रेसिपी थोड़ी लेंदी है लेकिन बनता ये बहुत मज़े का, और टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ज़रूर बनाइएगा। आप इसको पीच के साथ भी बना सकते हैं, पीच यानी कि आड़ू को छील के, और उसके साथ भी आप इसको उसकी प्यूरी बना के वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ी चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दिएगा। ठीक है, अब मैं इसकी बेस जो है वो बिस्किट से बना रही हूँ। आप इसके लिए जो वाइट प्लेन स्पंज केक होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। मेरा पैन थोड़ा बड़ा था, मेरे पास छोटा पैन नहीं है, लूज़ बॉटम पैन छोटा नहीं था, तो इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ, लेकिन आप इससे थोड़ा छोटा साइज़ यूज़ कीजिएगा। उसकी रीज़न मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ कि क्यों। अब हम इसमें बिस्किट के जो बेस है वो उसको सेट कर देंगे, लेयर लगा देंगे। कोशिश करिएगा कि जो बिस्किट की लेयर लगाएं आप वो बिल्कुल स्मूद हो, और बिल्कुल कहीं कोई भी जगह जो है वो खाली ना हो और इक्वल हो। अगर आप स्पंज यूज़ करेंगे तो स्पंज की जो नीचे वाली साइड होती है उसको आप ऊपर करेंगे। ये देखें, मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से दबा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए, और इसको मैं करने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे जब तक कि हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो हमें इसमें ऐड करते हैं तब तक ये फ्रीज़र में ही रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैंगो वाइट चॉकलेट मूस की तरफ। इसके लिए मैंने इसमें दूध डाल दिया है, 1 कप दूध, और चीनी डाल दी है मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चीनी, और थोड़ा सा दूध जो है मैं जेलेटिन में डाल देती हूँ ताकि मिक्स कर लें, और इसमें वनीला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम जेलेटिन को भी जो दूध के साथ है उसको मिक्स करके और छोड़ देंगे। जेलेटिन दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 1 टेबल स्पून जेलेटिन लिया है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो जेली के लिए यहाँ पे मैंने जो मैंगो जेल प्यूरी थी 1/2 कप, और जेलेटिन लिया था 1 टीस्पून। इसमें मैंने 10 ml या 1 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ जेलेटिन को। अब हम इसको मैंगो प्यूरी में ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है आपने। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप हर चीज़ में जेलेटिन की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है बढ़ाते जाएंगे। और अगर आप पीच यूज़ करें, पीच थोड़ा सा खट्टा होता है, मीठा नहीं होता, तो इस वजह से आप उसमें थोड़ी सी चीनी भी ज़्यादा ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। ठीक है, मेरे पास लूज़ बॉटम नहीं है, मैंने आपको बता दिया, तो इसके मैंने क्लिंग लगाई है अंदर, और मैं इसके अंदर ये प्यूरी जो है अपनी ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैंगो जेली, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से टैप किया ताकि इक्वल हो जाए। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। अब हम मैंगो मूस की तरफ आ जाते हैं, वाइट चॉकलेट मूस की तरफ। इसके लिए मैं दूध को गर्म करूँगी। इतना गर्म करेंगे दूध को कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और दूध जो है वो आपका गर्म हो जाए। मैं इसको विस्क की मदद से कंटिन्यूसली इसलिए हिला रही हूँ ताकि चीनी जो है वो जल्दी से मिक्स हो जाए। आप इसमें पाउडर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसको गर्म करना ही है तो इसलिए जो आम रेगुलर चीनी है वो भी इसमें
यूज़ हो सकती है। जी तो देखें, अब मैंने इसमें वो हमारा जो दूध था तैयार हो गया है। अब हमने अंडे की जर्दी के अंदर एक एग योक लिया था, उसके अंदर हमने बाकी जो चीनी थोड़ी सी बचाई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसको अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और विस्क कंटिन्यूसली आपने हिलाते रहना है। इसकी वजह यह है कि अगर आप इस विस्क नहीं हिलाएंगे तो आपका जो अंडा है वो कर्डल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें दूध हमने सारा इसमें ऐड कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम एक छन्नी लेंगे और उससे इसको आपने छान लेना है। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात जो थोड़ा सा कर्डल हो जाता है अंडा, तो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर वो उसमें मोज में बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, तो फिर वो मोज स्मूथ नहीं रहेगा और अजीब सा रबड़ रबड़ सा रहेगा। जी तो देखिए मेरा जो है वो उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि मैंने अच्छी तरह से मिक्स करती रही थी। अब मैं इसको दोबारा से मिक्स करके और अब हम इसमें पकाने लग देंगे। लेकिन अब मैं इसके अंदर 40 ग्राम वाइट चॉकलेट डालूंगी। वाइट चॉकलेट का बार आपको 100 ग्राम का मिल जाता है, उसमें से आपने 40 ग्राम जो है वो काट लेना है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा कम। इसको अच्छी तरह से हमने अब कुक करना है इतनी देर कि हमारी जो वाइट चॉकलेट है वो मिक्स हो जाए। वाइट चॉकलेट बहुत ज़्यादा मीठी होती है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, वाइट चॉकलेट मिक्स हो जाएगी और जो आपका जो मूज़ है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, कस्टर्ड कह लें आप इसको, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये बिल्कुल मतलब थिक होना शुरू हो जाए थोड़ा थोड़ा सा, तो मतलब इसका मतलब है कि आपका ये कस्टर्ड तैयार हो गया। आप इसको वाइट चॉकलेट कस्टर्ड भी कह सकते हैं। जी तो देखें, अब जो हमारा जो वाइट चॉकलेट का जो हमने कस्टर्ड बनाया था या मूज कह लें, इसको देखें गाढ़ा होने लगे। मैंने इसको एक प्लास्टिक के बॉल में या किसी भी बॉल में आप निकाल लें। अब हम इसको क्लिंग रैप से कवर करेंगे। ख्याल रहे कि क्लिंग रैप जो है वो उसको टच कर रही हो, ताकि उसके ऊपर जो एक आपको पता है कस्टर्ड के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है वो ना बने। इसको भी हम कट करके और फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देंगे 3 देर के ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा। जी तो हमारा जो मूज था वो ठंडा हो चुका है। मैं इसके अंदर जेलटिन जो हमने दूध में डिजोल्व करके रखा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको एक बॉल में शिफ्ट कर रहे हैं और इसमें क्रीम डालेंगे। हम इसमें क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन हमें 1 कप आप समझ लें कि आपको उसमें क्रीम चाहिए। और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको जो हमने मैंगो जेली जो हमने सेट की थी रात को, उसके ऊपर मैं इसको डाल दूँगी। ख्याल रहे कि जो आपकी मैंगो जेली वो बिल्कुल सेट हो, अगर वो सेट नहीं होगी तो आपके जब ये डालेंगे ऊपर वाइट चॉकलेट मूज तो वो सारी एक हो जाएगी, अलग अलग नहीं नज़र आएगी। ठीक है, अब हम इसको भी क्लिंग रैप से कवर कर देते हैं और इसको भी आपने छोड़ देना है इतनी देर कि आपका जो वाइट चॉकलेट मूज है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम मैंगो मूज की तरफ आ जाते हैं। मैंगो मूज के लिए हमने यहाँ पे जेलेटिन लिया था 1 टेबल स्पून, इसमें मैंने 15 ml वाटर या 1.5 टेबल स्पून वाटर ऐड करके इसको अच्छे से डिसॉल्व कर रही हूँ। वाटर जो मैंने यूज़ किया जिसमें भी मैंने डिसॉल्व करने के लिए, ये नीम गर्म पानी है। ठीक है, अब हम इसको जो मैंगो जेली थी मैंगो प्यूरी थी इसको आपने डाल देना है एक पैन में लेमन जूस 2 टेबल स्पून लेमन जूस के साथ। इसको आपने कुक करना है, कितनी देर कुक करना है, इतनी देर कुक करना है कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएँ और ये थोड़ा सा कुक होना शुरू हो जाए। इतनी ही देर बस आपने इसको पकाना है। देखें तो हमारा जो मैंगो प्यूरी थी या मैंगो पल्प था वो कुक होना शुरू हो गया। मैंने इसका फ्लेम जो है वो आहिस्ता कर दिया है और जी तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, हमारा तैयार हो गया। मैं इसके अंदर जेलेटिन ऐड करी, लेकिन जेलेटिन ऐसे नहीं, इसको छान के यूज़ करेंगे ताकि जो जेलेटिन के जो पीस रह गए हैं जो डिसॉल्व नहीं हुए हैं वो इसमें ना चले जाएँ। अगर वो इसमें चले गए तो वो रबड़ रबड़ सा आपको मुँह में फील होगा। तब मैंने इसको एक लार्ज बॉल में निकाल लिया थोड़ा ठंडा करके। अब आप इसके अंदर 2 कप क्रीम ऐड करेंगे, विप क्रीम 2 कप या 1.5 कप। ठीक है, 1.5 कप या 2 कप आप इसके अंदर विप क्रीम ही ऐड करेंगे। विप क्रीम कैसे विप करते हैं क्रीम को और कौन सी मैं क्रीम यूज़ कर सकती हूँ इसको मैंने रेसिपी जो है वो इसके जो मैंने सारी डिटेल है वो आपको पहले मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ और वो मेरे चैनल पे आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जी तो ये हमारी जो सारी क्रीम है वो मैंने इसमें मिक्स कर ली है। अब हम जो हमने मैंगो जेली और वाइट चॉकलेट मूस था इसको हम निकालेंगे। पहले हम इसको नाइफ़ की मदद से साइड से इसको लूज कर लेते हैं। ठीक
ठीक है, ये देखें हमने निकाल लिया, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको कोशिश करके इसको बीच में डालेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, ये मैंने अपने बीच में कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से जो हमने मैंगो मूस बनाया था वो डाल देंगे। अब मैं बताती हूँ कि मैंने आपको क्यों कह रही थी कि आप छोटा लूज़ बॉटम पहन लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से ये ऊपर उठ रहा है ना, फिर ये उसमें ये नहीं उठेगा, ये बिल्कुल उसमें कवर हो जाएगा। अब जो हमने मैंगो प्यूरी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने 200 ग्राम मैंगो प्यूरी या 2 कप मैंगो प्यूरी लेके उसमें 3 टेबल स्पून चीनी ऐड करके और इसको हमने रख के साइड पर रख दिया था फ्रिज में। अब वो आपने डाला, ये हमने सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जी। तो हमने इसको कवर करके फॉइल से रख दिया था सेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया, इसको मैंने बिल्कुल गर्म पानी से कर लिया था और इसको साइडों पे इसलिए लगाएंगे ताकि जो ये हमारे जो साइड्स हैं वो थोड़े लूज़ हो जाएं। अब हम इसको कप रख के इसको निकाल लेते हैं जी। तो देखिए हमारा जो मैंगो नो बेक मैंगो मूस केक था वो तैयार हो गया है। आप थोड़ा सा छोटा पैन लीजिएगा। अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम है तो हम इसको क्रीम से नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हमारे पास मैंगो चंक्स मैंने काट लिए थे उससे मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी। इसको आपने सर्व फौरन सर्व करना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि इतनी जेलेटिन से सेट नहीं होगा तो आप इसमें बेशक मज़ीद जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो देखिए हमारा मैंगो मूस केक नो बेक मैंगो मूस केक तैयार हो गया। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी रिक्वेस्ट हमें बताइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।